वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम कवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ अपने डेंटल के प्रोडक्ट्स शोकेस करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है, ये है फाइबर पोस्ट। ये फाइबर पोस्ट का जो ये चार वैरायटी के हैं इसके अंदर फाइबर पोस्ट, और ये इसमें जो फाइबर पोस्ट के अंदर ये ट्रांसपेरेंट, इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है और जो फाइबर्स होते हैं वो 85% होते हैं। तो ये इजीली लाइट को भी ट्रांसमिट कर देते हैं। मान लो आप कैनाल के अंदर डाल के लाइट क्योर कर रहे हो, तो ये लाइट को ट्रांसमिट कर देंगे, तो जो लाइट क्योर का मटेरियल है वो क्योर भी हो जाएगा अंदर। और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है फाइबर पोस्ट की। अभी तक काफ़ी एक्सपेंसिव फाइबर पोस्ट आते थे, ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे में आप फाइबर पोस्ट ले सकते हो। और इसमें करीब 5 ईच इन द पैकेट है, मतलब चार वैरायटी है और 5 ईच हैं। तो ये टोटल इन ऑल 20 पीसेस हैं और साथ में 4 ड्रिल हैं इसके अंदर, इसके पैकेट में अंदर। ये आप अपने पोस्ट एंड कोल के अंदर जैसे मेटल की पोस्ट यूज़ करते हो उसी तरह से फाइबर पोस्ट यूज़ करो। एस्थेटिक्स भी अच्छी आएगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी, और क्योंकि ये ड्रिल के साथ है तो ड्रिल के साइज़ के हिसाब से इसकी बैठना जो सिटिंग होगी वो भी अच्छी होगी। और क्योंकि ये फाइबर पोस्ट ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइट को ट्रांसमिट करके अंदर और बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी कैनाल के अंदर क्योरिंग कर देगी। अब सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड प्रोडक्ट है पॉलिशिंग डिस्क। पॉलिशिंग डिस्क जो है ये कंपोजिट की ही पॉलिशिंग डिस्क है। कंपोजिट की पॉलिशिंग डिस्क, भैया जी वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी नहीं आप मत आइए। पॉलिशिंग की ये जो डिस्क है ये इसमें भी चार वैरायटी है पॉलिशिंग करने के लिए। एक मैंड्रिल है और इसके अंदर ग्लॉस रिडक्शन करने के लिए, मतलब ज़्यादा कटिंग करनी है तो ग्लॉस रिडक्शन हो गया। कंटूरिंग करनी है उसके सेकंड स्टेप, मतलब उससे थोड़ा लाइट में कंटूरिंग, उससे थोड़ा लाइट में फिनिशिंग और सबसे लाइट में पॉलिशिंग। तो ये चारों डिस्क सबसे ज़्यादा कोर्स, उससे कम कोर्स, उससे कम कोर्स या फिनिशिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए। तो ये चारों अलग अलग तरह की ग्रिड की ड्रिल डिस्क हैं और एक मैंड्रिल है। ये एक मैंड्रिल सब में लग जाती है तो आप अपनी कंपोजिट्स को बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो। आइडियली इसी पॉलिशिंग डिस्क से फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग एंड ट्रिमिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से जो दांत की सरफेस है उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल घूम के ये पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग करती है। तो इससे आपकी कंपोजिट कभी भी ख़राब नहीं होती। कंपोजिट करने के बाद जैसे ही अगर आप डायमंड का बल लगाओगे तो वो कंपोजिट निकलने का डर रहता है या उसके डिसलॉज होने का डर रहता है और उस पर स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। लेकिन इसलिए आप डायमंड के बल या एयर रोटर का कभी इस्तेमाल मत करो, इस तरह की पॉलिशिंग डिस्क का इस्तेमाल करो तो बहुत हाई क्वालिटी की आपकी कंपोजिट की रेस्टोरेशन होगी। उसके बाद बात करते हैं, ये रिट्रैक्शन कॉर्ड है। रिट्रैक्शन कॉर्ड सर्वाइकल रीजन पे सर्वाइकल लाइन को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए या सर्वाइकल रीजन को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए ग्राउंड का इंप्रेशन लेते समय इसका इस्तेमाल होता है। इसको जो भी लोग इसकी इम्पॉर्टेंस जानते हैं वो इसके बगैर कोई भी इम्प्रेशन नहीं लेते हैं। और दो मिनट लगते हैं इसको लगाने में, लेकिन आपके इम्प्रेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपकी इम्प्रेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी तो लैब वाला जो क्राउन बना के देगा वो क्राउन बिल्कुल एस्थेटिकली मैच कर जाएगा और मतलब मुंह के अंदर कोई भी, इवन डेंटिस्ट भी देख के, जर्कोनिया का क्राउन है या ऑल सिरेमिक का क्राउन है तो डेंटिस्ट भी देख के पहचान नहीं पाएगा कि ये क्राउन लगा है कि नहीं लगा है, अगर इस तरीके के रिट्रैक्शन कॉर्ड से आपने इम्प्रेशन लिया और रिट्रैक्शन कॉर्ड को गम्स के अंदर डाल के इम्प्रेशन लिया। तो एक्चुअल में इम्प्रेशन लेते समय, लेने से जस्ट पहले इसे निकाल दिया जाता है
पहले रिट्रैक्शन कॉर्ड को आपके गम्स के अंदर दांत के चारों तरफ डाल दिया जाता है, तो ये वहाँ पे हीमोस्टेसिस का काम करता है और थोड़ा सा गम को रिट्रैक्ट कर देता है। रिट्रैक्शन कॉर्ड है, रिट्रैक्ट करेगा और उसके बाद ये जो कॉर्ड है इसको निकाल के तुरंत इंप्रेशन ले लेते हैं। जनरली अगर आप सिलिकॉन से इंप्रेशन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर सिलिकॉन से इंप्रेशन नहीं लेंगे तो फिर वही बात है, हो सकता है उतना अच्छा इंप्रेशन आए उतना अच्छा ना आए। तो सिलिकॉन लाइट बॉडी से इंप्रेशन जरूर लें अगर आप इस तरीके का क्वालिटी काम कर रहे हैं। उसके बाद टेम्प्रेरी स्टॉपिंग आता है। टेम्प्रेरी स्टॉपिंग में ये वाइट कलर की टेम्प्रेरी स्टॉपिंग है, ये इसके ये कटा पल्चर है। ये एक्चुअली जो स्टिक्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टिक है ये गटा पल्चर की स्टिक्स हैं। इसको हल्का सा गर्म करते हैं और मुंह के अंदर जहाँ पे भी आपको स्टॉपिंग लगानी है वहाँ स्टॉपिंग लगा दी। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये नीचे गैप छोड़ देता है, तो अगर आप अपनी पल्प चैम्बर के अंदर गैप छोड़ना चाहते हैं तो ये गटा पल्चर से ही टेम्प्रेरी स्टॉपिंग करें। अगर आप थोड़ा सा गैप रखना चाहते हैं बिटवीन द पल्प कैनाल, पल्प चैम्बर एंड टीथ, तो आप इससे ऊपर से टेम्प्रेरी स्टॉपिंग लगाएं। इजी होता है, जस्ट आपने एक अपना ये लिया गटा पल्चर की टेम्प्रेरी स्टॉपिंग ली और गर्म करके हल्का सा ऐसे कैनाल के अंदर नहीं लगाना, मतलब दांत के ऊपर लगा देंगे, ये टेम्प्रेरी स्टॉपिंग का काम करेगा। है भी टेम्प्रेरी स्टॉपिंग किसी कंपनी की है, बहुत हाई क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और आइडियल वर्क करने में, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप टेम्प्रेरी फिलिंग करते हैं टेम्प्रेरी फिलिंग पूरी की पूरी दब जाएगी तो जो भी गैप होगा सारा ख़त्म हो जाएगा, जिससे कभी कभी इन्फेक्टेड टीथ के अंदर स्वेलिंग या दर्द की परेशानी आ सकती है, इसको यूज़ करने से वो आपकी कभी नहीं आएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है अमेलगम कैप्सूल। अमेलगम कैप्सूल बहुत ही बढ़िया सिल्वर होता है। इसमें एक कैप्सूल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कैप्सूल के अंदर इस तरफ सिल्वर होता है और इस तरफ मरकरी होती है। तो जैसे ही इसे प्रेस करते हैं मरकरी और सिल्वर एक ही चैम्बर में पहुंच जाता है। उसके बाद इसे अमेलगमेटर में लगा लीजिए या फिर बाहर निकाल के टाइटुरेशन कर लीजिए। अमेलगमेटर में लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा कि टाइटुरेशन करके मिल जाएगा, और नहीं तो आप अमेलगम जो इसका जो अमेलगम वेल होता है और अमेलगम वेल के अंदर टाइटुरेशन का प्रोसेस कर लीजिए। टाइटुरेशन करने के बाद जब आप इसे निचोड़ के यूज़ करेंगे, इसकी जो सिल्वर की क्वालिटी है वो बहुत हाई होती है, जो कैप्सूल्स के सिल्वर होते हैं बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं, तो आप ज़रूर इसको अपनी प्रैक्टिस में, और ईजी भी है। अब आपको एक फिलिंग करनी है दो फिलिंग करनी है तो आपने एक कैप्सूल लिया और दो तीन फिलिंग कर ली और यूज़ कर लिया, तो आपको पूरा बड़ा डिब्बा लेने की ज़रूरत नहीं, 30 ग्राम का डिब्बा और फिर मरकरी भी 225 ग्राम या मिनिमम सबसे छोटा पैकेट 30 ग्राम का आता है, उससे बड़ा 225 ग्राम का आता है, तो इतने बड़े बड़े पैकिंग लेने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से सिल्वर के कैप्सूल्स लेके, अमेलगम कैप्सूल्स इसे बोलते हैं, सिल्वर कैप्सूल्स नहीं बोलते हैं, लेकिन होता है इसके अंदर सिल्वर और मरकरी है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है कंपोजिट की किट। ये कंपोजिट की किट जो है इसके अंदर ये बहुत बढ़िया कंपोजिट होता है। ये आईवॉकुलर वीवाडेंट कंपनी का है। आईवॉकुलर वीवाडेंट का जो ये कंपोजिट किट है, ये चार इंजेक्शन होते हैं इसके अंदर, 5 ग्राम बॉन्डिंग एजेंट होता है, 2 ग्राम एजेंट होता है और इसकी एक्सेसरीज होती हैं। ये सारा का सारा इस किट के अंदर है। हाई क्वालिटी कंपोजिट है, इकोनॉमिकल है, इसका नाम भी टी इकोनॉम है प्लस है, तो अब ये हाई क्वालिटी का मोस्ट इकोनॉमिकल आईवॉकुलर वीवाडेंट का कंपोजिट मटेरियल है। अगर आप इससे फिलिंग करोगे तो बहुत लंबे समय तक फिलिंग टिकी रहती है मुंह के अंदर और एस्थेटिकली ये दिखने में तो सुंदर होती ही है। उसके बाद आते हैं ये क्लिंजोडेंट पे। क्लिंजोडेंट डेंचर क्लीनिंग का पाउडर होता है। अभी डेंचर क्लीनिंग का पाउडर क्या होता है और क्या काम करता है, ये जो है दांत के अंदर जब डेंचर को आप इसके पानी के अंदर डालते हो तो ये क्लीनिंग के साथ कोई केमिकल प्रोसेस भी करता है और उस केमिकल प्रोसेस से दांत जो है और डेंचर जो है वो क्लीन हो जाता है, सुपर क्लीन हो जाता है।
तो अगर किसी को आप डेंचर डिलीवर कर रहे हो तो उसको बोलो कि जब भी रात को डेंचर निकाल के रखे तो क्लिंजोडेंट का पाउडर उसके अंदर डाल दे, उससे वो उसका डेंचर बिल्कुल क्लीन रहेगा। मॉर्निंग में जब वो उठा के उसे धो के पहनेगा तो उसे बिल्कुल क्लीन डेंचर मिलेगा। क्लिंजोडेंट जो है ये क्लीन के साथ फ्रेश भी कर देता है। अब पूरा दिन आपने प्लास्टिक का डेंचर लगाए रखा तो अब आप जाओगे या क्रैली का डेंचर को आप फ्रेशनेस आनी चाहिए उसके अंदर, तो अगर वो सुपर क्लीन होगा तो इसमें फ्रेशनेस भी आ जाएगी डेंचर के अंदर। तो ये मस्ट है अगर कोई डेंचर पहनता है या कोई डेंचर डिलीवर करता है उसके साथ क्लिंजोडेंट का पाउडर हो गया ये। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ग्लास बीड। ग्लास बीड जो है ये ग्लास बीड स्टरलाइजर के अंदर यूज होती है। ग्लास बीड स्टरलाइजर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में चीज़ों को स्टरलाइज कर सकता है। और उसका जो इंग्रेडिएंट होता है, जो गरम होता है, वो ग्लास के बीड्स होते हैं। ये ग्लास के बीड्स का पैकेट है। इस पैकेट को लेके आप अपने ग्लास बीड के अंदर डाल के, और क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंट निकालने में रखने में कुछ बीड्स, 2-4 बीड्स निकल के गिर जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करते करते बीड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। ये अलग से सेपरेटली जार आता है, आप इसको लेके अपने बीड्स को रिफिल कर सकते हो। अगर आपके पास ग्लास बीड स्टरलाइजर नहीं है, आप पूरा ग्लास बीड स्टरलाइजर ले सकते हो, उसके अंदर आप ये बीड्स डाल के अपना इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका मेन कारण यही होता है कि कई बार लोगों के ग्लास बीड्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं करें कैसे, क्या करें, यूज़ नहीं करते, रख देते हैं। तो ये ग्लास बीड लेके आप अपने ग्लास बीड स्टरलाइजर को यूज़ कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 25 सेकेंड में चीज़ें स्टरलाइज हो जाती हैं। इससे फास्ट स्टरलाइजेशन किसी में नहीं होता। इवन हॉट बॉइलिंग स्टरलाइजर या ऑटोक्लेव में भी काफ़ी टाइम लगता है स्टरलाइज करने में, लेकिन ये तो बहुत ही फास्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है अमेलगम पॉलिशिंग किट। जैसे मैंने अमेलगम कैप्सूल्स दिखाए थे आपको, अब अमेलगम कैप्सूल्स को फिनिश एंड पॉलिश करने के लिए एक सेपरेटली शोफू कंपनी की किट आती है। ये शोफू कंपनी की किट जो है ये कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस, जो माइक्रो मोटर का कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस होता है, ये उसके अंदर लगते हैं। और इसके अंदर अलग अलग तरह के बर्स होते हैं, जो कि कप वाले बर्स भी होते हैं और कोन शेप बर्स भी होते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि 12 बर्स हैं इन ऑल टोटल। 12 में से 3 आपके कोन बर्स हैं, 3 कप बर्स हैं ग्रीन ग्रेड के, और ब्राउन ग्रेड के 3 कोन बर्स हैं और 3 कप बर्स हैं। तो ये अमेलगम को पॉलिश करने, फिनिश करने और पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये शोफू कंपनी की है। शोफू कंपनी के बर्स जो होते हैं कंपेरेटिवली बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मार्केट में किसी भी और कंपनी से कंपेयर करोगे तो शोफू एट पार मिलेगा या बहुत अच्छा मिलेगा। और अमेलगम पॉलिशिंग किट इस पे लिखा है, फिनिशिंग नहीं लिखा है। फिनिशिंग अदर टूल से करा जाता है, लेकिन पॉलिशिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिशिंग करने से अमेलगम के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है, चमकता हुआ मेटल लगता है, तो चमकता हुआ मेटल दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। उसके बाद आता है आर्टिकुलेटिंग पेपर। आर्टिकुलेटिंग पेपर कई तरह के मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये MDM कंपनी का है। MDM कंपनी की खासियत ये है कि इसका आर्टिकुलेटिंग पेपर थोड़ा मोटा होता है। मोटा होने से क्या होता है कि जब आप बाइट करते हो तो कहीं पर अगर डार्क इम्प्रेशंस आते हैं तो वहाँ पे ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, कहीं पे अगर लाइट इम्प्रेशंस आते हैं तो वहाँ ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो दो अलग अलग तरह के पॉइंट्स बना देता है दांत के ऊपर। तो ये आपको इससे, इस वाले आर्टिकुलेटिंग पेपर से ये पता लग जाता है। और किसी सरफेस पे रेड कलर का अच्छा निशान देता है, किसी सरफेस पे ब्लू कलर का अच्छा निशान देता है। तो इसमें एक इसकी जो बुक होती है उस बुक के अंदर दोनों रंग होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और दो एक खुला हुआ था लेकिन फिर भी मैंने ये खोल दिया। ये आर्टिकुलेटिंग पेपर है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दोनों रंग के आर्टिकुलेटिंग पेपर्स हैं, रेड भी है और ब्लू भी है। क्योंकि कभी कभी दांत के ऊपर कहीं किसी जगह पे कोई फीलिंग्स होती हैं, उस पर ब्लू कलर अच्छे से नज़र आता है। कहीं कहीं पर सिरेमिक का इस्तेमाल होता है, सिरेमिक के लिए रेड कलर अच्छे से नज़र आता है। तो जहाँ पे जो कलर ज़्यादा अच्छे से नज़र आए वो कलर आप इस्तेमाल करके अपना आर्टिकुलेशन कर सकते हो। इस वन बॉक्स के अंदर 20 पीसेस होते हैं। अगर इंडिविजुअल चाहते हो इंडिविजुअल भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये MDM कंपनी का थोड़ा थिकनेस के साथ होता है तो अच्छा होता है, और मोटाई से बेनिफिट ये होता है कि अच्छा डिस्टिंग्विश उसमें स्टेन आता है, और डिस्टिंग्विश स्टेन होगा तो उसको आराम से आप ट्रिम कर पाओगे। उसके बाद ये प्रो पल्प है, प्रो पल्प डीवाइटलाइजिंग पेस्ट है ये, जैसे कि सेप्टोडॉन का कॉस्टनॉफ आता था उसी तरह का है, इकोनॉमिकल है, इंडियन है, और इसको आप कैनाल के अंदर यूज़ कर सकते हो फॉर डीवाइटलाइजिंग। डीवाइटलाइजिंग करने का बेनिफिट ये है कि अगली बार जब पेशेंट आएगा तो आपको दोबारा से, मतलब पेशेंट को दोबारा से पेन नहीं होगा, और दोबारा से आपको लिग्नोकेन या उसको अगेन एनेस्थीजिया नहीं देना पड़ेगा, एनर्जीसिया नहीं देना पड़ेगा। तो ये डीवाइटलाइजर आप अपनी प्रैक्टिस में कोई भी कंपनी का हो आप यूज़ ज़रूर करो। ये प्रोपल का है, सेफ प्लस इसका ब्रांड है, और ये नीलकंठ कंपनी का है। उसके बाद आते हैं कार्वीन। कार्वीन जो है ये जीपी सॉल्वेंट है। जैसे कभी आपके पास कोई पेशेंट आएगा जिसके ऑलरेडी जीपी भरा हुआ है तो उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर आप जीपी सॉल्वेंट यूज़ करोगे, थोड़ा सा कॉटन में लेके और कैनाल के अंदर रख दोगे, फिर 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद आप जैसे ही कैनाल के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डालोगे वो पूरा अंदर चला जाएगा, और जो भी जीपी होगा वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका होगा, और सॉफ्ट होने की वजह से वो बड़े आराम से बाहर आ जाता है। जीपी सॉल्वेंट की एक कमी भी होती है कि इसे ज़्यादा देर खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें उड़ने की टेंडेंसी होती है, तो इसे जब आप यूज़ करो तो इसको टाइटली पैक करके सील कर दो। ऑल्दो ये वाला उड़ता नहीं है, लेकिन बहुत सारे अदर कंपनी के जीपी सॉल्वेंट उड़ते हैं, ये वाला उड़ता नहीं है। ये कार्वीन है, प्रीवेस्ट का है, ठीक है यूज़ करने में, लेकिन क्योंकि उड़ने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसमें इथिलीन और अदर केमिकल जो होते हैं उड़ने वाले होते हैं, तो आप उसको बंद करके ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑल्दो ना उड़ने के लिए इसे बनाया गया, लेकिन केमिकल्स तो वही डाले गए होंगे जो केमिकल्स उड़ने वाले होते हैं। तो अगर मान लो 3 केमिकल डाले हैं, उड़ने वाला केमिकल उड़ गया तो फिर बचेगा जो केमिकल वो ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए आप इसको सील ज़रूर बंद करके रखो, जब भी यूज़ करो निकालो उसके बाद बंद कर दो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट EDTA। EDTA कैनाल के अंदर चिलेटिंग एजेंट का काम करता है। ये EDTA लिक्विड फॉर्म में है, EDTA जेल फॉर्म में भी आता है। जेल फॉर्म में जब आप फाइल के ऊपर लगाते हो तो ईजिली अंदर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। लिक्विड फॉर्म में फाइल को भिगो दो, और या फिर कॉटन के अंदर भिगो के इसको पल्प चैम्बर के अंदर रख दो, तो ये कैनाल जितनी भी जहाँ जहाँ कैनाल्स होती हैं उसके ओरिफाइस को ओपनिंग का काम करता है। आपके लिए इजी हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन करना, कोई भी फाइल बड़े आराम से अंदर चली जाएगी और बड़े आराम से बाहर आ जाएगी। फाइल टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर आप EDTA इस्तेमाल करते हो। तो EDTA ऑल्दो चिलेटिंग एजेंट है, ऑल्दो क्लीनिंग के लिए डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी आप इसे कैनाल ओपनिंग के लिए, ओरिफाइस ओपनिंग के लिए आप इसके यूज़ कर सकते हो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है कॉपर एमल्गम। ये बहुत सारे जो डेंटिस्ट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं। ये सिल्वर का सब्सटीट्यूट वो लोग यूज़ करते हैं, इसको गर्म करते हैं, कॉपर और मर्करी का मिक्सचर होता है, इसको गर्म करने के बाद इसको टाइटुलेशन प्रोसेस नहीं करना, मिक्स नहीं करना पड़ता, गर्म करने के बाद इसे निचोड़ दिया जाता है, जितनी मर्करी होती है निकल जाती है, जो बचा माल होता है उसे दांत में भर दिया जाता है। इसमें और सिल्वर में फ़र्क ये है कि सिल्वर जो है ना वो बहुत हार्ड फिलिंग मटीरियल है, और ये बहुत सॉफ्ट फिलिंग मटीरियल है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद टूट जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन अगर सिल्वर से फिल कर दिया तो वो फॉरएवर हो जाएगा। तो आप कोशिश करो सिल्वर यूज़ करो, लेकिन पैसे बचाने के लिए लोग कॉपर भी यूज़ करते हैं। भरने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, टाइटुलेशन नहीं होता, लेकिन निचोड़ने का प्रोसेस वही होता है कॉपर अमेलगम में, है अमेलगम वो भी, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है, कुछ समय बाद निकल जाएगा। जिनको अपनी प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है, जिनको हमेशा के लिए काम करना है, जिनको अच्छा काम करना है, वो सिल्वर ही यूज़ करेंगे, जो जिनको ऐसे ही चालू काम करना है वो कॉपर यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लूकोसॉल्व है। फ्लूकोसॉल्व जो है ये फ्लोराइड सॉल्यूशन है। फ्लोराइड सॉल्यूशन के कई काम हैं, ये बच्चों में दांतों में यूज़ किया जा सकता है,
ये कैविटी के अंदर डीप कैविटीज में फिलिंग के नीचे यूज किया जा सकता है। ये एक परत बना देता है जो कि फ्लोराइड की परत होती है, जो कीड़े को लगने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती। और उसके बाद ये सेंसिटिविटी का भी रोकने का काम करता है। तो इसके मल्टीपल काम्स हैं। और इसके ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको कॉटन से लेके आप इस कई कई जगह पर लगा सकते हो। अगर आप इसे डिसइंफेक्टेंट, अगर आप केरीज के लिए लगा रहे हो तो केरीज रुक जाएगी, अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी के लिए लगा रहे हो तो हाइपर सेंसिटिविटी रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसके मल्टीपल जगह पे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। ये मैं तो दो चार यूज आपको बता सकता हूँ, आप यूज करोगे तो इसके 10-15 यूज निकल आएंगे। मैं भी यूज करता हूँ तो मुझे भी 10-15 यूज निकल आते हैं इसके मुंह के अंदर। तो इसको बच्चों में भी यूज किया जा सकता है, एडल्ट में भी यूज किया जा सकता है, बड़ी कैविटी में, क्लास 2 कैविटी में, जहाँ पे कंपोजिट की फिलिंग करनी हो उसके नीचे भी, बेस के नीचे यूज किया जा सकता है। और कहीं पर अगर आपको अमेलगम की फिलिंग करनी हो वहाँ भी बेस के नीचे यूज किया जा सकता है। बेस के नीचे इसलिए क्योंकि ये परत भी बना लेता होगा, तभी वो सेंसिटिविटी को रोक पाता होगा। और सेंसिटिविटी रुक गई तो समझो दांत का दर्द रुक गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सिरेमैक्स है। ये पोर्सिलिन फॉर PFM है। PFM का मतलब हो गया पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल। तो सिरेमैक्स जो है सिरेमिक है, ये पाउडर होता है। जो कल मैंने जो मैंने ब्रश आपको अपने अदर वीडियो में दिखाए थे ब्रशेस, वो ब्रशेस इसी पाउडर के साथ, इसका पाउडर का एक लिक्विड भी आता है और वो लिक्विड को मिला के उसके बाद ब्रश से दांत का स्ट्रक्चर बना के उसको सिरेमिक की फर्नेस के अंदर क्योर किया जाता है। और ये लेबोरेटरी में काम आता है, सिरेमिक का पाउडर है। बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों का डेली यूज़ का सामान है। और मतलब हम लोग हो सकता है डेंटिस्ट ना यूज़ करते हो, पर डेंटिस्ट का इसके बगैर काम नहीं चलता। लेबोरेटरी वाले यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी वाले क्राउन बना के देते हैं, उसमें ये सारा मटेरियल यूज़ होता है। यही वो मटेरियल है जिससे लेबोरेटरी में क्राउन बनता है। उसके बाद आते हैं रिलीफ ऑयल पे। रिलीफ ऑयल जो है ये बहुत बढ़िया, ये इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको। ये ओल्ड पेशेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं तो उनके ना दांत हिल रहे होते हैं। अगर उनके दांत हिल रहे हैं और वो आते हैं आपके पास, तो हिलने से जो दर्द होता है, अगर आप वहाँ पे रिलीफ ऑयल लगा दें तो उनका पेन ख़त्म हो जाता है। आप इसे जैसे फ्लूसॉल को यूज़ करते हैं ना, उसी तरह इसके भी मल्टीपल यूज़ हैं। अब ये रिलीफ ऑयल है, रिलीफ ऑयल का मतलब क्या हो गया, दांत का दर्द ख़त्म करने वाली दवाई। ऊपर ऊपर से लगा दो तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, ऐसी दवाई है। तो इसके भी मल्टीपल नहीं, मल्टीपल से भी ज़्यादा, मल्टीपल फोल्ड इसके यूज़ हो सकते हैं। हर जगह पे यूज़ किया जा, कैनाल के अंदर यूज़ किया जा सकता है, कैनाल के बाहर यूज़ किया जा सकता है, मसूड़े के अंदर यूज़ किया जा, मसूड़े के ऊपर यूज़, दांत की हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैविटी बनाने के दौरान यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, बड़ों में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ आप जाओगे हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मस्त दवाई है, रिलीफ ऑयल। और रिलीफ ऑयल जैसी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इसका एक भाई फार्माथोसॉल भी होता है जो कि कैनाल के खाली अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये रिलीफ ऑयल सब जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको अपनी क्लिनिक के लिए ये मस्ट है, आप लोग ये क्लिनिक में रिलीफ ऑयल जरूर रखो। थैंक यू वेरी मच। इससे मैंने आज आपको अपने सारे जो प्रोडक्ट्स थे कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, और ऐसे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। और मेरा नाम कवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। और मेरी शॉप का एड्रेस है हज़रतगंज, अशोक मार्ग हज़रतगंज। और मेरा मोबाइल नंबर है 9415001586। आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो भी अपना पॉसिबल जो मेरे पास मटेरियल होता है, मैं उसका डिटेल आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी और जानना हो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।